तो हेलो गाइस, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में मैं आ चुका हूँ केदारनाथ मंदिर के अंदर। हाँ गाइस, तो मैं आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में केदारनाथ मंदिर का पूरा टूर करवाने वाला हूँ। तो आज मैं पूरा आपको टूर करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और पूरा वीडियो देख के सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। तो भाई काफी ज्यादा लेट हो चुका है घर पहुँचने में। तो अरे यार, यहाँ पे तो ट्रेन आ गई, अरे जल्दी निकलो यार। तो हाँ गाइस, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है मुझे घर पहुँचने में। तो फाइनली गाइस ट्रेन चली गई है, तो जल्दी से अपने घर पे चलते हैं गाइस। मम्मी पापा आज बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे गाइस, बॉस ने बहुत ज्यादा आज काम दे दिया यार, मैंने बहुत लेट कर दिया आज। तो फाइनली गाइस हम घर पे पहुंच चुके हैं। अरे यार पापा आ गए। हाँ पापा आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी है। तो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं गाइस। अरे यार मैं अब चैन की नींद सो लूं यार, काफी ज्यादा थक चुके हैं हम लोग। अरे अरे मम्मी और पापा, अरे बोलिए बोलिए। अरे आज आने में बहुत ज्यादा लेट हो गई। अच्छा ठीक है बेटा, आपके पापा कुछ आपको बताना चाहते हैं। अरे बेटा मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग काफी ज्यादा दिन से घूमने नहीं गए हैं, तो चलते हैं केदारनाथ मंदिर। वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है और बहुत मजा भी आएगा घूमने में। अरे हाँ यार पापा, मैं तो वहाँ पे गया ही नहीं, मैं तो बहुत सोच रहा था कि चला जाऊं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कर दी। तो जल्दी चलते पापा, कब जाएं ये बताइए। अरे बेटा हम भी तो वही पूछ रहे हैं, तुम्हारा कब प्लान है चलने का। अरे बेटा हम लोग कल सुबह ही निकल चलते हैं ना, कल सुबह ही निकल चलते हैं हम लोग। अभी मैं थोड़ा आराम कर लूं, तुम जल्दी से सो जाओ, हम लोग कल सुबह प्लान कर लेंगे। तो चलो यार, फाइनली सुबह हो चुकी है और अभी हमारा प्लान है गाइस केदारनाथ मंदिर जाने का। तो जल्दी से चलते हैं गाइस, रेडी होने। अरे यार मैं अभी से रात से सुबह तक नींद में घूम रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा थक चुका था मैं। तो चलो यार बाहर चल के मौसम चेक कर लेता हूँ। अरे भाई ये क्या है, लगता है गाइस सर्दियाँ आ चुकी हैं। और आपके यहाँ कैसा मौसम है आप कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो हमें ना गाइस ज़रा सा भी लेट नहीं करना है, हमें जल्दी से रेडी होकर चलना है केदारनाथ मंदिर। तो जल्दी से देखता हूँ मम्मी पापा रेडी हुए कि नहीं। तो अभी ना गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ, अपने हाथ में मोबाइल भी ले लिया हूँ। तो जल्दी से निकलते केदारनाथ के पास। तो मम्मी पापा भी कार में रेडी होकर बैठे हुए हैं, तो अभी निकलते गाइज क्योंकि मम्मी पापा बैठे हैं और हमें निकलना है पेट्रोल पंप के पास, मुझे थोड़ा सा काम है वहाँ पर। वहाँ पे ना मुझे पेट्रोल भरवा के निकलना है क्योंकि सफ़र ज़्यादा बहुत है, तो वहाँ पे हमको अपनी टैंक फुल करवानी पड़ेगी। तो अभी ना गाइज हम लोग अपने सिटी के पेट्रोल टैंक पे पहुँच चुके हैं और अपनी गाड़ी में हम लोग तेल डलवा लेते हैं गाइज। तो जल्दी से हम लोग अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं केदारनाथ की तरफ। तो निकलते हैं अपने सफर के लिए गाइज, तो मैं मिलता हूँ आपको सीधे केदारनाथ मंदिर में। तो फाइनली गाइज हम लोग केदारनाथ के मंदिर के रोड पे पहुँच चुके हैं और ये रोड जाता है सीधे केदारनाथ मंदिर के तरफ गाइज। तो हम लोग सीधा अपने गाड़ी को ले चलते हैं माउंटेन की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेन सीधे केदारनाथ के पास ही जाएगी। तो हमें काफी सीधा सीधा जाना है गाइज, आप काम कर तो अपनी गाड़ी को खड़ा कर लेता हूँ और आपको लेकर मंदिर के अंदर गेट, और कितना प्यारा सा गेट बनाया गया है गाइस। यहाँ पे एक घंटा भी लगा हुआ गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। अंदर से चलते मंदिर के तरफ गाइस, यहाँ पे आप लोग मंदिर भी देख सकते हो, पीछे माउंटेन भी देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है, कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है ये देखने में, कितना रियलिस्टिक लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। पहली बार है मंदिर और पीछे साइड में माउंटेन भी, कितना अच्छा लग रहा है। जल्दी से अंदर गए, जल्दी से चलते इसके पास में खड़े इसको आप कैसे ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जल्दी चलते इसके पास में गाइस। तो मैं इसके पास आ चुका गाइस और कितना प्यारा डिजाइन है इसका गाइस, और इसका इस मंदिर का जो दरवाजा ना गाइस काफी रियलिस्टिक और कितना अच्छा डिजाइन किया गया है। और आप लोग ये साइड साइड का माउंटेन भी देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। और फाइनली ये मंदिर का पूरा इतना सुंदर लग रहा है, इसके अंदर जाकर चेकआउट करने के बाद
तो हमको जूते निकालने पड़ेंगे। हम लोग जूते नहीं निकाल सकते, जूते निकलने वाले नहीं है गाइस, तो अपने ड्रोन से मैं सब लोग देख सकते हो गाइस कितना प्यारा बनाया गया है गाइस, और बैक साइड में कितना प्यारा लग रहा है गाइस। अगर आप लोग ये देख सकते हो गाइस कितना प्यारा और कितना अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है गाइस, और इसके जस्ट पीछे गाइस लिखा हुआ है श्री केदारनाथ। दरवाजे भी आपको देखने को मिलते हैं लेफ्ट और राइट गाइस, कितने डिटेल जिसको बनाया गया है। केदारनाथ धाम कितना अच्छा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इसका पीछे का एरिया भी देख सकते हो गाइस, काफी अच्छे से इसको डिटेलिंग किया गया है, कलर भी बहुत अच्छा गाइस, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है यार। तो मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है गाइस, मैं इसको फोटो लगा देता हूँ, इसकी और इसके इस मंदिर में कितना डिफरेंस है गाइस, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है यार भाई। और आप लोग ये भी देख सकते हो गाइस इसके अंदर भाई ने कितने अच्छे से डिटेलिंग की है, इसके अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते लेकिन ड्रोन से देख सकते हैं, बहुत ही इसका सुपर और कलरफुल जो कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको बनाया गया गाइस। गाइस भाई ने एक भी बीम मिसिंग नहीं किया गाइस, पूरा का पूरा एकदम अच्छे से बनाया है। यहाँ पे मैं बताऊँ ना गाइस कि भाई ने कितने अच्छे से इसको डिटेल से बनाया है, पूरा का ओपी ओपी है गाइस, पूरा बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसका पूरा का पूरा भी ये रहा गाइस। और गाइज इसके अंदर का जो शिवलिंग है ना गाइज काफी प्यारा लग रहा है भाई, पूरा डिटेल्स इसको बनाया गया है। तो मैं बता दूं गाइज अपने भाई ने इसको बनाया तो उनका नाम है करण जेवरा भाई, तो उनको पूरा सपोर्ट करना, और मैं इसका लिंक नहीं देने वाला आपको गाइज भाई, प्लीज़ गुस्सा मत होना, क्योंकि अगर मैं इसका लिंक दे दूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मैं पब्लिक को नहीं देख सकता गाइज। गाइज ये मंदिर है ना, तो इसके डेवलपर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बोला है कि किसी को देना मत, मना कर दिया गाइज पूरा। अगर मैं आपको पूरा लिंक दूँ ना गाइज तो फिलहाल कुछ इशू हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको लिंक नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके डेवलपर ने गाइज मुझे मना कर दिया। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो कितना प्यारा झलक है गाइज इस मंदिर का। तो आपको ये मंदिर कैसा लगा गाइज एक प्यारा सा कमेंट करके नीचे बता देना, और भाई ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है गाइज इसको बनाने। आप इस फ्रंट साइड गेट को देख सकते हो कितना अच्छे से इसको डिटेल किया गया है, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है गाइज। तो मैं तब तक के लिए मंदिर को पूरा टूर कर लेता हूँ गाइज, चारों तरफ घूम लेता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।